हेलो फ्रेंड्स, मेरा 2 मिनट का किचन में आप लोगों का बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल फ्राई करके दिखा रहा हूँ। देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ ये लेडी फिंगर फ्राई करूँगी। दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो लेडी फिंगर है इसको इस तरफ और इस तरफ छोटा छोटा करके ऐसे पीस किया। अभी इसका हर साइड से ऐसे छोटा छोटा पीस कर रही हूँ। ऐसे ऐसे पीस कर रही हूँ जैसे इसके अंदर मसाला घुस सके। अभी देखिए दोस्तों, ये मैंने ऑलरेडी कर लिया ऐसे। अभी मैं ये लेडी फिंगर को हाफ स्पून नमक में यहाँ पे दे रही हूँ और थोड़ा सा पानी यहाँ पे यूज कर रही हूँ और 2-1 बूंद ये नींबू का रस मैं यहाँ पे दे रही हूँ और 1-2 सेकंड के लिए मैं इसको यहाँ पे भिगो के रख दे रही हूँ। अभी दोस्तों देखिए, ये एकदम सॉफ्ट हो गया ये लेडी फिंगर। अभी मैं गैस ऑन कर रही हूँ और यहाँ पे देखिए, मैं बेसन का पेस्ट यहाँ पे रेडी करके रखा है। यहाँ पे सिर्फ हल्दी पाउडर और आपके अंदाज से आप नमक दे देना और ये पेस्ट रेडी कर लेना। अभी फ्राइंग पैन पे मैं ऑयल यूज कर रही हूँ। अभी दोस्तों देखिए, ऑयल पूरा गर्म हो गया। अभी देखिए दोस्तों, ये जो बेसन का पेस्ट मैंने रेडी किया ये अभी मैं यूज कर रही हूँ। अभी आप इसके अंदर ये रोटी जैसा बन गया है। अभी इसके अंदर आप 2 लेडी फिंगर दे सकते हैं। अभी दोस्तों देखिए, आप इसको रोल कर लीजिए ऐसे। ऐसे आप इसको रोल कर लीजिए और अच्छी तरह फ्राई कर लेना। देखिए दोस्तों, अभी ये बराबर बन गया। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। कम से कम आपको 2 मिनट्स इसको फ्राई करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी और एक मैं रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेसन का पेस्ट दे दिया। अभी इसके अंदर मैं 2 लेडी फिंगर दे रही हूँ। अभी मैं इसको फोल्ड कर दूंगी।
बहुत अच्छी तरह ये बन जाता है। ये दोस्तों ये भी बन गया। देखिए दोस्तों अभी मेरा ये डिश बराबर बन गया। ये लेडी फिंगर फ्राई सबको आता है, लेकिन मैं बोल रही हूँ मेरे जैसा आप यूज़ करके आपके फ्रेंड के साथ शेयर करना, बहुत ये टेस्टी होता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप लोग पूरा देखना और मुझे सब्सक्राइब करना। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। थैंक यू।